अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राना इमरान हमीद और आप देख रहे हैं इरफान कंप्यूटर बखर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोई व्हाट्सएप स्टेटस आप देख रहे हैं, आपके फ्रेंड का स्टेटस चल रहे होते हैं और आपको कोई व्हाट्सएप स्टेटस पसंद आता है और आप चाहते हैं कि वो आप डाउनलोड कर लें या वो आपके पास आ जाए, तो आप अपने फ्रेंड को या जिसका स्टेटस आप देख रहे हैं उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सेंड मी करके, या उसको उससे वो स्टेटस मंगवाते हैं। तो अब आपको कोई रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आप खुद अपने मोबाइल में उसको सेव कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई आपने थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक दो सिंपल ट्रिक्स हैं वो आपने यूज़ करनी और आप स्टेटस खुद अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, अब मैं आपको बताता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर कि आप स्टेटस को कैसे सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अपने मोबाइल पर थोड़ी सी सेटिंग ये करनी है कि आपने अपने फाइल मैनेजर पर जाना है। फाइल मैनेजर पर आने के बाद अब आपने मेन्यू पर क्लिक करना है और इसकी सेटिंग पर आ जाना है। सेटिंग में आपने सर्च कर लेना है शो हिडन फाइल्स को, शो हिडन मीडिया फाइल्स। तो अब आपने ये दोनों ऑप्शन ऑन कर लेने हैं। ये दोनों ऑप्शन जब आप ऑन करेंगे तो इसके बाद अब आप ये देख सकते हैं आप अपने जो स्टेटस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक ये स्टेटस लगा हुआ है, तो ये स्टेटस अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये स्टेटस जो मुझे पसंद आया है, जो हमें पसंद आ रहा है, ये हम आप देखना चाहते हैं अपने पास, अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं, तो इसका क्या तरीकाकार है? आपने शो हिडन फाइल्स के बटन को ऑन कर लिया है, तो अब आप सिंपल जाएंगे फाइल्स और इसके बाद इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज में आपने आ जाना है अपने व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप के फोल्डर्स हैं यहाँ पर, आपने सर्च करना है मीडिया। मीडिया में आने के बाद ये स्टेटसेस आप देख रहे हैं कि इसका एक फोल्डर बना हुआ है। अब यहाँ पर आपके जितने भी फ्रेंड्स के स्टेटसेस हैं जो आपने देखे हैं या जो डाउनलोड हो चुके हैं, वहाँ पर आपने शो देखे हैं, वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखें, ये मैंने अभी आपके सामने स्टेटस देखा था, ये देखें, ये अब आपके सामने इधर आ चुका है। लेकिन ये अभी आपके मोबाइल में सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। अब आपने करना क्या है कि जो आपको स्टेटस पसंद आ रहा है आप यहां पर इसको चला कर देख सकते हैं, जो स्टेटस आपको पसंद आ रहा है। अब आपको एक ये स्टेटस जैसे पसंद है, अब आपने क्या करना है कि अब आप चाहते हैं कि ये मेरे मोबाइल में सेव हो, यहां पर अभी तक जो स्टेटस के फोल्डर में है ये डिसअपियर हो जाएंगे अपने 24 घंटे के बाद। तो आपने इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है और यहाँ कॉपी मूव कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अपनी मतलूबा डेस्टिनेशन जहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पर इसको सेव कर लें, तो ये आपके पास सेव हो जाएगा परमानेंटली। तो ये थे तरीका स्टेटस को सेव करने का, आसान तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। कोई आपने थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ नहीं करनी, सिंपल जैसे मैंने आपको बताया कि आपने करना क्या है, आपने फाइल मैनेजर में जाना है, यहाँ पर मेन्यू सेटिंग्स और आपने ये जो हिडन फाइल्स हैं इनको सिर्फ शो करना है। शो हिडन मीडिया फाइल्स लाजमी शो ऑन करना है या सब्सक्राइब इसको लाजमी कर लेना है ताकि आपके जो फोटोज़ वीडियोज़ जो भी स्टेटस में हैं वो सब आपके पास शो हो सकें। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।